गुड इवनिंग पिला माने, गत श्लोक आम पढ़ी जे पवन किपरी बणरे राजा दिलीपंकर सेवा करथिला से विषय आम पढ़ी सारे। जो मैंने से वीडियो देखी ना हो प्लेलिस्ट अच्छी देखी नब। आज तार परवर्ती 14 नंबर श्लोक देखा। ससाम वृष्ट्यादवाग्नि आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि उनं सत्वे स्वधिको बवाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने। वर्तमान यार अर्थ गुड़ी को देखने वा ससाम शांत हैला, वृष्ट्या वर्षा, अपि माने मध्य, बिना व्यतीत, दबाग्नि वनाग्नि बणरे जात होता अग्नि को दबाग्नि कह। आसित आसित माने थिला, विशेषा विशेष भाव रे फल पुष्प वृद्धि, फल पुष्प वृद्धि हैला। ऊनम ऊनम माने कौन दुर्बल को न माने नहीं, सत्वेषु अधिको प्राणी मानक मध्य अधिक माने सबल हैला, अधिक माने सबल। बबाधे बाधा देला, तस्मिन वनम एठारे तस्मिन माने कौन से ही वनम माने बण को। गुप्तरी गाह माने गुप्तरी माने रक्षाकर्ता बा त्राणकर्ता दिलीप, गाह माने प्रवेश करते। वर्तमान यार अन्वय को देखने वा गुप्तरी तस्मिन दिलीपे वनम गाह माने वृष्टिया विनापि दवाग्नि ससाम वृक्षेषु विशेषा फलपुष्प वृद्धि आसित सत्वेषु अधिकः ऊनंग न बवाधे। वर्तमान यार ओडिया अनुवाद को भल भाव जाणी नवा। गुप्तरी तस्मिन दिलीपे रक्षाकर्ता सही राजा दिलीपंकर वनम गाह माने बण को प्रवेश करते वृष्ट्या विना अपि वृष्टि बिना मध्य दबाग्नि ससाम बणरे थिबा अग्नि बा बनाग्नि शांत होइवला। वृक्षेषु विशेषा फलपुष्प वृद्धि गच्छ मानंकरे विशेष भाव रे फलपुष्प वृद्धि हैला। एठारे आसीत माने हैला अर्थ को प्रकाश करुचे। सत्वेषु अधिकः प्राणी मानंक मध्यरे जिए सबल ऊनं न बबाधे दुर्बल को बाधा देला नाही। यार ओडिया अनुवाद को आउ थरे भल भाव जाणिनबा। रक्षाकर्ता सही राजा दिलीप बण को प्रवेश करते वृष्टि बिना मध्य बणरे थिबा अग्नि बा बनाग्नि शांत होइगला। वृक्ष मानंकरे विशेष भाव रे फल पुष्प वृद्धि हैला। प्राणी मानंक मध्यरे थिबा सबल प्राणी माने दुर्बल मानंकु बाधा देले नहीं। वर्तमान यार व्याख्या को जाणी नवा। महाराज दिलीप जेतेबेले अरण्य को प्रवेश करिछंती तांक आगमन फलरे बणरे की परिवर्तन घटिला कवि कालिदास एठारे तहार वर्णना करिछंती। जेतेबेले रक्षाकर्ता राजा दिलीप बण को प्रवेश करिछंती बिना वर्षा रे सेठारे थिबा वनाग्नि शांत हो जाइछि। बणरे साधारणतः जो अग्नि जात होइथाय वर्षा हेले जाय से अग्नि लिभि थाय, किंतु पुण्यात्मा राजा दिलीपंक प्रभाव रे से जेतेबेले बण को प्रवेश करचंती सही अग्नि आपे आपे शांत हो जाइछि। एवं गच्छमानंकरे अनेक फल पुष्प वृद्धि होइछि, अनेक जो गच्छे देखिले अनेक फल भरी रही पुष्प फुटी। एवं राजा जिते बेले तांकर राज्य रे थिले सही राज्य रे थिबा समय रे सबलर अत्याचाररु दुर्बल प्रजांकु रक्षा करथिले, किंतु जिते बेले अरण्य रे से उपस्थित होइछंती
सेठी आपणा छाए दुर्बल प्रति सबल प्राणीर आक्रमण बंद हो हरिण ठेकुआ आदि दुर्बल प्राणी मैंने निर्भय बणरे चराबुला करने को लगिले। ए प्रकार जो बणर जो परिवर्तन होई ता केवल दिलीपंकर प्रभाव ही संभव हो पारिथिला। साधारणतः कौनसी पुण्यवान व्यक्ति थिले से जो जगार भी थी से ही स्थान जो प्राणी मानक मध्यरे स्वभाव शत्रुता थाए ता आपे आपे से माने त्याग करि थांती। वर्तमान एथिरे थिबा केते गुड़िए इम्पोर्टेन्ट व्याकरण देखने वा संधि विच्छेद दबाग्नि रासित दबाग्नि ही युक्त आसित दबाग्नि रासित सत्वेष्वधिको सत्वेषु युक्त अधिको सत्वेष्वधिको सकारण विभक्ति देखने वा वृष्ट्या एठारे बिना अच्छी तेणु बिना जोगे तृतीया। सकारण विभक्ति केमिति हुए यदि जाणिना तुम्हें नवम श्रेणी आगुरी पढ़ी सारिछ एवं एठि मध्य नवम श्रेणी संस्कृत ग्रामर प्लेलिस्ट अच्छी सेठी कारक विभक्ति पाठगुड़िक अच्छी सेठु देखिपार केमिति तुम्हारो सकारण विभक्ति हुए। तापर देखिबा सत्वेषु कौन हम अधिकरणे सप्तमी निर्धारणे सप्तमी मध्य बनम तस्मिन युक्त बनम एटा संधि हो तो बनम कौन हम कर्मणि द्वितीया एवं तस्मिन भावे सप्तमी हम। तापर समास दबाग्नि दबस्य अग्नि ही दबाग्नि षष्ठी तत्पुरुष समास विशेष यार मूल शब्द है विशेष तेरे कौन हम प्रकृति प्रत्यय बीजुक्त शिशुक्त घन विशेष यही विशेष पड़े से सामान हम बीजुक्त शिशुक्त घन तेब ये केते गुड़िए इम्पोर्टेन्ट व्याकरण। आसंता थर को 15 नंबर श्लोक देखा। धन्यवाद।